हेलो गाइस, वेलकम बैक विद आवर न्यू वीडियो ऑफ ज़ेब्रा गेमिंग। तो भाई आज हम लोग कूदे थे ओल्ड बेसिन। मैंने भाई हमारे साथ एक रैंडम प्लेयर भी था, मैंने उसी को फॉलो कर लिया, तो वो मैं ओल्ड बेसिन ले गया। तो भाई स्टार्टिंग में तो मेरे को मिलती है यूजी, और लेकिन भाई किस्मत ये इतनी बकवास कि हम यहाँ बंदे मारे, यहाँ पर एक भी बंदा नहीं, ओल्ड बेसिन बंदे ही नहीं आए। मतलब जो दिल जो टूटा था ना, वो मैं क्या ही बताऊँ, बंदे नहीं आए। और भाई किस्मत ऐसी बकवास थी कि गन भी कौन सी मिलती है हमें, हमेशा SMG। मतलब भाई पूरा मूड बेकार। इधर मैं कारल ठाल लेता हूँ, यूज़ ही छोड़ देता हूँ। अब आप लोग आगे जाके देखोगे कि मेरे को जो है कि यहाँ पे M4 भी मिलेगी, लेकिन मैं M4 नहीं उठाता क्योंकि स्कारल का ना एक मिशन होता है 10 बंदे मारने स्कारल से, लेकिन इसलिए मैं M4 उठाता नहीं। भाई इधर मैं अपने टीममेट को बुला बुला के थक गया था कि M4 ले 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 ले, लेकिन वो आया इतनी देर में। भाई हमें वहाँ पे तो बंदे मिलते नहीं, हम खाते हैं डांसिया और यहाँ से निकल लेते हैं। वो भाई बस तुम यहाँ लोग देखना, ये देख, ये हमारी टीम का है अखंड ड्राइवर, चाहे वो तो अगला बंदा नोटी क्यों ना हो या नहीं, लेकिन उसके अंदर देख के हम घुसेड़ नहीं है। तो यहाँ से हम चल देते हैं बंदों को ढूंढने। और भाई हमने सबसे पहले तो यहाँ सीखे ब्रिज पार। ये देखो ये हमारी टीम का ड्राइवर, मतलब गाड़ी को पूरी उल्टा पुलटा, मतलब एक तरह से भसड़ पार दी गाड़ी की। तो मतलब बिल्कुल वहाँ पर तो एकदम साउथ वाले एक्शन बना दिए थे। मतलब भाई मेरे को बोलते समय भी मैं देख रहा हूँ ना, मेरे को हंसी आ रही है। मतलब साउथ के लोग इतने फेल करते हैं भाई, मतलब ये चीज़ आप देखना। मैं अपने बंदे को बोल रहा हूँ कि भाई या तो वहाँ रोक या मत रोक, इसने रिज के बीच में ठाके खड़ दी। और मतलब भाई वहाँ पर ना मेरा जो चीज जो चोरी हुआ ना, मतलब मेरा दिल सा टूट गया था। यहाँ पर भाई अपना टीममेट जो होता है उसको नोक हो लेता, लेकिन मैं उसे कैसे ना कैसे करके बचा ही लेता हूँ। लेकिन ये भूतनी का इधर से एक डासी USZ वाला आ गया, रिवाइव भी छुटवाया और मारा भी कोनी। भाई मतलब तुम यहाँ पे देखना, यहाँ पे अभी भसड़ बचने वाली है। जो नेक्स्ट लेवल भसड़ मचेगी ना, वो यहीं मचनी है, अभी देखते रहो बस। देख रहे हो इधर से मैंने इनको नोक किया, इधर से USZ वाला भी आ गया। अब मेरे को ये नहीं पता था ये USZ वाला इतना बड़ा नल्ला आदमी है, मतलब अच्छा खासा जा रहा था। नहीं लेकिन यहाँ से उतरना है, और जहाँ यहाँ जो मेरी जो किल चोरी हुई, मतलब भाई साहब। तो यहाँ से भाई हम थोड़ी बहुत सब बंदों को मारने मुरने बाद यहाँ पे पहले आराम से लूट कर लेते हैं। लूट वूट करके नेट वेट ठा के हील वील करके बस यहाँ से चटक लेते हैं कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। एक तो पीछे से जोन और ऊपर से रेड जोन, मतलब भाई रेड जोन से इतनी घटिया चीज़ है, जहाँ मैं खड़ा होऊंगा ना भाई आके फटेगा। लेकिन इस मैच में ऐसा ना हुआ, मैं बच गया। नेट उठाया ना, ये मेरे बहुत काम का नेट था, बस आके देखना होता है क्या। इधर मेरा फिर से टीम में, इसको 10 बार बोली मेरी गाड़ी में बैठ गया, नहीं मैं तो अलग जाऊंगा, जा भाई। हमने सोचा कि हम ड्रॉप हंटिंग करेंगे, तो हम भाई यहाँ से निकलते हैं ड्रॉप हंट करने के लिए।
यहाँ पर मेरे टीममेट ने गाड़ी रोक दी, ये कह रहा कि आगे बंद है। मैं कह रहा नहीं है, वो कह रहा है, मैं कह रहा नहीं है, लेकिन इसे मेरी समझ तो आनी नहीं। सिक्स एक्स लगाया M4 और देखने चालू, मैंने कहा इतने में नंबर 3 ड्रॉप लूट लेगा। और मेरे दौरे तुम देख ही सकते हो हेलमेट के हाल की हो रखे हैं। जैसे मैं इधर आता हूँ भाई साहब, ये बंदा लूट करके जा रहा होता है। भाई ये चीज देखो तुम, मतलब उसे पता है अपोनेंट को हम 3 जने, लेकिन फिर भी अंदर वो नहीं है गाड़ी। भाई इतने में ही हमारे ऊपर यहाँ पे फायर आने लग जाता है। तो यहाँ से हम निकलते हैं अगले ड्रॉप हंटिंग के लिए। हम फिर यहाँ कहते हैं भाई रैंडम वाले को कि भाई तू बैठ जा हमारी गाड़ी में, लेकिन नहीं, भाई साहब को तो लूट करनी थी। गाड़ी हमारी गाड़ी में बैठ गया। पहले तो मेरे को लगा ये यहाँ पे ऑफलाइन हो गया, क्या कर सकते, मैंने सोचा इसको गाड़ी से कुछ नहीं क्या कर सकते थे, लेकिन ये बाद में जिंदा हो गया। इसे बिठाया अपनी गाड़ी में और हम चलते बैठे। अब भाई साहब यहाँ पे देखना, 3 USAID इकट्ठी होगी, मतलब महिंद्रा वालों की तो इज्जत ही नहीं है। देख गाड़ी और गाड़ी सारी है इसी कंपाउंड में रोकनी थी। अब भाई साहब तुम देखना, जो मैंने बताई थी ना नेड़ बहुत काम आएगा। अब देखना, पहले मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे तो कोई बंदे नहीं थे, मेरे को फुटस्टेप्स कहाँ से आए फिर? और भाई साहब सामने वाले घर से भी कोई फुटस्टेप नहीं आ रहे, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ भाई साहब एक बंदा हील कर रहा होता है। मैंने भाई साहब नेड़ खींचा और लास्ट सेकेंड नेड इस पर फेंक दिया। और भाई साहब अगर तुम्हें ये नेट पसंद नहीं आया ना, तो भाई तुम कुछ नहीं, बस यार इस क्लच को देख के तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई सब एक नेट से चारों बंदे, भाई साहब जी सा आ गया था ये देख कर। तो बस गाइस इसको देख कर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई मतलब इन लोगों पर मेरे को इतना तरस आ रहा था कि भाई क्यों करा तुमने ऐसा, सारे एक ही कमरे में बैठे, सारे एक ही नेड में। भाई तुम लोगों को पता है ना, जैसे ये सारी मेरे को लग रहा है लड़कियाँ होंगी, क्योंकि तुम्हें पता है लड़कियों की आदत क्या है, इकट्ठे बैठ के चुगली करना। ये पबजी सुबजी कुछ ना देखती, बस इन्हें चुगली करनी है। भाई साहब इतने में मेरे को यहाँ पे कोई फुटस्टेप्स आते हैं, मैं उस बंदे को बोर्ड ढूंढता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे को मिलता ही नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ से गाड़ी छोड़ो, पैदल ही भगो। मैंने अपने टीममेट को 10 बार बोल ली कि लूट लाट छोड़ो, पहले यहाँ से भग लो, जोन आ रहा है और जोन काटेगा। और भाई आगे जाके देखना हमारी टीम का क्या हाल होने वाला, मतलब हमारे अंदर जो भुड़ता बनेगा ना, गंदा ही भड़ता बनेगा। यहाँ पर पहले तो मैं अपने टीममेट्स का इंतजार करता हूँ कि पहले ब्रोकन वॉल का कवर लूँ, कहीं ऊपर से मेरे को फायर ना दे दे, कोई मेरे में भर ना दे, स्प्रे ना दे दे। इससे अच्छा मैं कवर लेता लेता निकलता हूँ। भाई ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि यहाँ पे हम ड्रॉप लूटने गए पहले, पता होते हुए भी कि ऊपर बंदे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ड्रॉप लूटने गए। मतलब भाई साहब ज़िंदगी बर्बाद हो गई यहाँ पे। भाई साहब मैं ड्रॉप क्या लूट रहा, भाई साहब यहाँ पे ऐसा गंदा फायर आया, मैं ऐसा पैनिक हुआ ना यहाँ पर, जो मतलब गाड़ी में बैठे मतलब उन्होंने ऐसा स्प्रे दिया, गाड़ी फटन को होगी एकदम ही। मैं यहाँ पे उतरा और यहाँ पे जो है पहले सबसे पहले मैं सोचा गाड़ी फोड़ के कवर लूँगा इस गाड़ी को, मेरी गाड़ी को देता हूँ फोड़। इतने में ही मेरे को ऊपर से पड़ जाती कार 98 के हेडशॉट। भाई मतलब भड़ता बन गया हमारा, यहाँ पे हम तीनों मर जाते हैं। लेकिन मेरा बस एक ही मकसद था ये डालने का कि नेट जो है ना बहुत ही बड़ी ओपी चीज़ है। तो गाइज आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना।